ये देखो, ये है बाहर का एक YouTube चैनल जो पहले तो लावा बनाता है, फिर इसको ड्राई आइस पे डालता है और देखता है इससे क्या होता है। नोटिस कि मुंह से एक चू तक नहीं निकाली इसने पूरे वीडियो में। और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है? जिस तरीके से नदी के दो किनारे कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जिस तरीके से आग और पानी का मेल कभी भी नहीं हो सकता, उसी तरीके से बहुत ज्यादा ठंडी चीज और बहुत ज्यादा गर्म चीज भी आपस में मिक्स नहीं होती है। और अगर गलती से या फिर किसी भी तरीके से हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तब होती है तबाही। जी हां गाइस, तबाही। आज की जो वीडियो है वो भी सच में काफी कमाल धमाल। अरे बस चाचा, बस 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 बस, समझ गया मैं, वीडियो तो स्टार्ट करो भाई। यो गाइस नमस्ते, कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सब। आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जिनको होना तो डिस्कवरी चैनल पर चाहिए था, पर क्या डिस्कवरी चैनल वालों का दिमाग इतना फ्यूचरिस्टिक ही नहीं था कि उनका कंटेंट वो समझ पाए। तो इन्होंने एक नया अड्डा ढूंढ लिया अपनी नई नई इन्वेंशन करने का, नई नई डिस्कवरीज करने का। कौन सा? यूट्यूब। इन्हें नई नई डिस्कवरीज करने का इतना शौक है, इतना शौक है कि हर हफ्ते यूट्यूब पे नई नई कमाल कमाल की डिस्कवरीज करते रहते हैं। जैसे कि कपड़ों पे प्रेस करते हैं, उस प्रेस से सैंडविच बन सकता है गाइस। आज ये ट्राई करने वाले हैं, अब देखते हैं सैंडविच बनेगा या नहीं। यहाँ पर हमारे पास में सेंटर फ्रेश, यहाँ पर हमारे पास में पल्स कैंडी। तेल को गरम करेंगे, उसमें डालेंगे इन दोनों चीजों को। क्या बन गया देखो, ये है कॉर्न का पैकेट। अभी देखते हैं गर्म फेविक में कॉर्न डालने से क्या होता है। तो हमने सक्सेसफुली दुनिया में पहली बार पैकेट के अंदर पॉपकॉर्न बना दिया, बट हमारी गलती ये थी ये जल गए ना। अबे हौले तुझे खाने पे क्या। इनके वीडियो में आपको क्रिएटिविटी के अलावा दो और चीजें तो दिखनी ही दिखनी है, इलेक्ट्रिफाइंग डांस म्यूजिक एंड अमेजिंग सिनेमैटिक स्लो मो शॉट्स। ये साइंटिस्ट कोई अरे गहरे साइंटिस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा जाने माने साइंटिस्ट हैं। और इनकी एक अजीज चीज है जिसको इतना प्यार करते, इतना प्यार करते कि अपने सपने में भी उसको नहीं बुला पाते। लिक्विड नाइट्रोजन ड्राई आइस है ना, काफी मस्त चीज। इन्होंने इस पे इतनी सारी नई डिस्कवरीज करी है कि मोदी जी कहने पे मजबूर हो गए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये लिक्विड नाइट्रोजन और ड्राई आइस जैसे टफ सब्जेक्ट में टॉप करके बन गया मास्टर ऑफ पूलोलॉजी। इन्हें लिक्विड नाइट्रोजन और ड्राई आइस इतनी ज्यादा पसंद है कि हर चीज में वही पहले पड़े। इन्होंने इसके साथ इतने सारे क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि इन्होंने मिला दिया इसको पानी में। तो आइडिया ये है कि हम क्या करेंगे, सिंपली इस उबलते हुए पानी के अंदर ड्राई आइस को डालेंगे। और पानी में आइडिया ये है कि हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर वो सारी ड्राई आइस इस मिनी स्विमिंग पूल के अंदर डाल देंगे। डालो और पानी में। आज के स्टूडियो के अंदर एक तरफ हमारे पास है यहाँ पर एक बार फिर से लिक्विड नाइट्रोजन, हमारे पास यहाँ पर है बहुत सारा गर्म होता हुआ उबलता हुआ पानी, और आज के स्टूडियो के अंदर हम इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स करने वाले हैं। अरे यार बस यार, कुछ तो अलग करो गाइस। यार पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये टनल स्विमिंग पूल बनाया था। अरे वाह, लगता है कुछ अलग करेगा इस बार, है ना, एक नंबर खूबसूरत चीज। तो चलो अब इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं। अबे यार नाक कटा दो तुम लोग मेरी। प्लीज यार कहीं पे भी ट्राई मत करना। अरे भाई सबके घर में 10-10 टंकी भर के लिक्विड नाइट्रोजन नहीं रहती है। मुझे माफ करो भाई,
मैं जॉब छोड़ रहा हूँ बाय। और जब इतनी क्रिएटिविटी काफी नहीं थी तो इन्होंने सोचा कि अगर हम लोग एक नॉर्मल कूलर को बहुत ही ज्यादा ठंडा बना दे तो कैसा रहेगा। ओहो भाई बाप रे बाप, अरे इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं यार। फटाफट से शुरू करते हैं। अरे भाई क्या इंट्रो है। तो हम क्या करेंगे, पानी की जगह लिक्विड नाइट्रोजन ही डाल देंगे और पूरा भर देंगे। हमारे पास में 50 लीटर यहाँ पर और भी हमारे पास। लगता है ये लोग लिक्विड नाइट्रोजन भी घर पे बना रहे। नजारा देखो भाई साहब, ओ इसमें निकलने लग गई। हाँ वही से तो निकलेगी, नहीं तो क्या कूलर की से निकलेगी। भाई साहब यहाँ पर देखो यार। क्या नल्लो कितना दिन भर पड़ा रहता है, कुछ अलग तो कर कम से कम किसी दिन। चलो आज पेट्रोल को फ्रीज करके देखता हूँ क्या होता है। जिस तरीके से पानी को फ्रीज करके बर्फ में बदल देते हैं, क्या उसी तरीके से हम पेट्रोल को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो ये रही हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन। चलो इस पूरे पेट्रोल को इसके अंदर डाल देते हैं। ओह माय गॉड गाइस 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 इट वर्क्स। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेट्रोल है वो आई थिंक फ्रीज हो रहा। हाँ मुझे तो लगा ब्लास्ट हो जाएगा। बिन वजह ये सब क्यों करना है यार, ऐसे तो मुझे भी हर समय ख्याल आते रहते हैं। यो गाइस नमस्ते, आज हमारे साथ है मुक्कू भाई। तो और आज हम लिक्विड नाइट्रोजन में मूंगफली डाल के देखने वाले कि क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन। ओ क्या भाप निकल रही भाई, मुकुंद मूंगफली दो, मुकुंद मूंगफली दो, मुकुंद मूंगफली दो। साला ये ज्यादा बहलावे लगा है, लावा साली की उंगली लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के देख ले का हुआ था। अफसोस कि हम मुक्कू भाई की उंगलियों को नहीं बचा पाए। रेस्ट इन पीस। चलो इसके अंदर आग लगा के देखते हैं। हाँ अब यही तो बचा था, और कर ही क्या सकते हैं हम लोग पेट्रोल के साथ। अब हम डालते हैं पेट्रोल को कूलर के अंदर और फिर उसके अंदर आग लगाते हैं और फिर कूलर को चलाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। सॉरी भाई सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया आपके टैलेंट को, माफी मांगता हूँ, मैं पैर छूता हूँ। ये लिक्विड नाइट्रोजन और ड्राई आइस के ही नशे करे पड़े हैं। हम लोग दिवाली पे क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, पर ये नहीं, इनको तो उसमें भी लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए। ये बिजली बम की लड़ी है और इस लड़ी के ऊपर अगर लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया जाए तो क्या ये लड़ी फटेगी। अबे एकदम लुल आदमियों का, मना लो दिवाली कायदे से, इनके हाइपोथीसिस भी एकदम सटीक होते हैं। और भी इसमें लिक्विड नाइट्रोजन मिलती है तो क्या होता है। हाँ हाँ क्या होगा क्या होगा। देखो पूरी बॉल जम चुके हैं, ऐसे हो गया कि बर्फ के गोले हो छोटे छोटे। पे यार सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे मुझे तो लगा यार कुछ रूबी या डायमंड कुछ ऐसा बनेगा। हाँ यार मैं भी इंतजार ही कर रहा था कि यार फिरोजा निकले तो मैं भी जाऊँ फुटपाथ पे गाड़ी चलाऊं जाके। और तो और अब ये सोशल वर्क भी कर। मैं सिंपली इस तालाब पे आया और मैंने देखा यार कि ये जो पानी है सच में बहुत ज्यादा गर्म है यार। और गाइस आप वहाँ पर देख सकते हो कि वो सारी जो गायें हैं वो इस गर्म पानी को पी भी नहीं पा रही और मुझसे ये चीज बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। और आइडिया ये है कि हम सिंपली सारे लिक्विड नाइट्रोजन को उस तालाब में डाल देंगे जिससे वो जो पानी है काफी ठंडा हो जाएगा, उससे वो गायें उस पानी को भी पी पाएगी और हम भी इस ठंडे ठंडे पानी में नहा पाएंगे। और यार मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, इस टैंक की मदद से उस पूरे तालाब को ठंडा कर पाना नामुमकिन है। अबे जानवरों का काट दिया, मैंने तो पहले कहा था पेन इंसान होते ही धोखेबाज है। सोचो तुम्हारे पापा तुमसे बोले कि बेटा सिगरेट ना फूकना, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और फिर चौराहे में बाहर तुम्हें दिखे 10-10 पैकेट सिगरेट के धुएं में उड़ाते हुए, कैसा लगेगा तुम्हें। सेम फीलिंग यही लगी मुझे ये देख के। डोंट मिक्स फैगी क्विक इन रेटॉल, डोंट पुट सोडियम मेटल इन वाटर, हॉट ऑयल वर्सेस लिक्विड नाइट्रोजन, डू नॉट ट्राई। और फिर बाद में जो तेल है उसको गर्म करेंगे इस कड़ाही के अंदर, तो अब इसमें डालते हैं लिक्विड नाइट्रोजन और भाई बड़े ही ध्यान से करेंगे, सेफ्टी के लिए हेलमेट का यूज करेंगे। हाँ हमें दिख रहा है कितनी सेफ्टी है। करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो गाइस ये था आपके लिए कूलेस्ट वीडियो एवर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जल्द ही आऊंगा एक और ऐसा नया वीडियो लेके आपके लिए। तब तक ले बाय गाइस। ऑलराइट गाइस, तो यार आज ट्राई करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन बिस्किट्स। गाइस एक चीज तो माननी पड़ेगी, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डिप करने के बाद इस बिस्किट का जो स्वाद है वो 10 से 20 गुना बढ़ गया है। बेटा थक गया होगा ना, ले बेटा चाय बिस्किट खा ले। चाय आया नहीं यार मम्मी, लिक्विड नाइट्रोजन हो तो लाओ। बेटा लिक्विड नाइट्रोजन तो नहीं है, बेलन चलेगा। अरे नहीं नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, चाय बहुत मस्त लग रही है।